वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एंटी टोबैको डे के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में एंटी टोबैको डे जो है मनाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं होता लोगों को कि कैसे मनाना है। मनाना कुछ भी नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी में इतने अखराजात हैं, मतलब बिजली का बिल बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, तो हम चाह रहे हैं खर्चे कम हो जाएँ। सिगरेट नोशी ख़त्म करेंगे तो महीने का खर्चा बचेगा, अगर आप करते रहेंगे तो आगे जाके आपको खुदा ना खास्ता दिल के प्रॉब्लम हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको अगर दिल का प्रॉब्लम हुआ तो एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी और पता नहीं कितने हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों खर्च हो सकते हैं। फेफड़ों का मसला आ गया, कहीं खुदा ना खास्ता आपको लंग कैंसर हो गया, COPD हो गया, तो फिर मसले मसाइल। खर्चों से तो बचा रहे हैं ना, और फिर सबसे बड़ी बात, आप जो उस वक्त बेड रिडन हो गए, जॉब चली गई, तो फिर महंगाई। और तो इन सारी बातों पर आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद फारूक साहब, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम कॉलर हैं, उनको पहले शामिल कर लूँ। असगर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं हैं। आपके मोहतरम डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और आज हमें बहुत अच्छे मौजू पे बातचीत हो रही है, जो कि आपने महसूस किया हुआ है कराची के अंदर, अगर आप कहते हैं कि हर जगहों पे, यहाँ तक कि अब तो मैंने यूनिफॉर्म में बच्चों को टोका, अगर कि स्कूल के बच्चे होते हैं ना, ये तो यूनिफॉर्म पहन के चलते हैं 8वीं 9वीं 10वीं जमात के, तो उन्होंने मुझसे ये कहा एक बच्चे ने कि बड़े मियाँ आप अपना रास्ता लें, हमें अपना काम करने दें। बहरहाल इखलाकी तौर पर वो उसकी, फिर भी मैंने उसके शफकत से हाथ पैर सर पर उसको बोला कि नहीं बेटा, ये बुरी बात है। ये तो आपने बड़ा सही, बहुत अच्छा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम, बल्कि इस प्रोग्राम को 2-3-4 मरतबा आप इंट्रोड्यूस कराइए, और मैं आपके हेल्थ TV के पैनल से ये कहना चाहूँगा हुकूमत वक्त को कि आप जैसे मंशियात पे पाबंदियां लगाते हैं, तो इसका नाम क्या मंशियात नहीं है? इसको भी तो आप बैंड कर देना, आप बैंड करें, देखें पाकिस्तान में किस तरह ये आप ये दफा 144 लगा देते शीशे पे, के शीशे पे दफा 144, और फिर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर यानी जारी, ये कुछ समझ में नहीं आती बात। सही कह रहे हैं। दूसरा कि मुख्तलिफ टॉक शोज में मैं और चैनलों पे देखता रहता हूँ कि बड़े बड़े माहर सियासतदान, पहलवान, जी जी, वो हाथ में सुगार लेके, सिगरेट नहीं, सुगार का पप्पा वो लेके बैठ के बैठे होते हैं, और आप इजाजत कैसे देते हैं वो चैनल वाले उनको कि आप भाई सुगार पी के भी इंटरव्यू दे? बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से हमारी नस्ल को बहुत ज्यादा, वो हमसे बच्चे पूछते हैं कि पापा ये तो लीडर हैं, ये तो हमारे मुल्क के बड़े हैं, ये तो पी रहे टेलीविजन पे, आप इस तरह की बातें करते हैं, नाना आप ऐसे कहते हैं, दादा आप ऐसे कहते हैं, आपकी तो बस नसीहत ही नसीहत होती है, आप देखें ये चैनल पे क्या आ रहा है, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? वाह सुभान अल्लाह, आज के प्रोग्राम का परवरदिगार आपको आसान। और एक बात ये पूछती थी डॉक्टर साहब, तार क्या चीज होती है? तार, बिल्कुल, जो आपने बताया ना कि तार, बिल्कुल अभी हम जरूर आगा कीजिए। बहुत शुक्रिया। तमाम सियासतदान जो TV पे धड़ल्ले से और ढिटाई से सिगार लेके बैठे हुए होते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, आपको अपना रहनुमा समझते हैं, तो आप प्लीज़ सिगरेट TV पे तो, या सिगार TV पे तो मत पीजिए। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, एक्चुअली इस चीज़ को बुनियाद यही है कि आपको एक सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ बनाना है, तभी आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसको इवन इंटरव्यूज़ में या ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे आप उसको एक रोल मॉडल बना के एक आदमी को पेश कर रहे हैं, और वो आदमी ठीक है, वो अगर करता है तो अपने तौर पे करे, किसी ऐसे मौके पे कम से कम TV ना करे। तो करोड़ों लोग देख रहे होते हैं वो, एक यानी एक आप क्या मैसेज, एक दो को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन नाम सब जानते होंगे, सिगार्स पे तो बड़े मशहूर हैं वो, बिल्कुल, लेकिन ये कि, लेकिन आइडली ये सिर्फ सियासतदान की हद तक नहीं, ये तो घरों में हर आदमी को चाहिए। आप कमरे में बैठे हुए हैं, और खास तौर पे वो लोग जो सिगरेट नहीं पीते हैं। हाँ, ये बताइए, मैं हमेशा जब हम बात करते हैं तब के, वो लोग जो सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन एक आदमी पी रहा है, तो वो कैसे मुतासर? वो मुतासर है पैसिव स्मोकिंग। एक्चुअली जो स्मोक आप ले रहे हैं, एक तो स्मोक इनहेलेशन है कि डायरेक्ट आपने सिगरेट पी और उस धुएं को अपने अंदर ले लिया, ठीक है, उस धुएं का कुछ हिस्सा आपने बाहर भी निकाला, वो धुआं माहौल में शामिल हुआ, और माहौल में शामिल होके सर्टली वो एकदम से तो गायब नहीं हो जाएगा, उस माहौल में, उस हवा में शामिल होके वो दूसरों के
सांस के ज़रिए से उनके फेफड़ों तक जा रहे हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और सर्टली इसके असरात ऑलमोस्ट इवन हार्ट डिजीज में तो काफ़ी हद तक है कि मैं हैरान होता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में लोग दाखिल होते हैं अपने मरीज़ को लेकर आए हुए हैं, कॉरिडोर्स में आके सिगरेट पी रहे हैं। और उस पैसिव स्मोकिंग के असरात सिर्फ उनके नहीं, अब हर मरीज़ को जा रहे हैं और हर वो शख्स जो सिगरेट नहीं, तो इस लिहाज से उन पे बहुत ये जिम्मेदारी आयद होती है उन लोगों पे जो सिगरेट नहीं पीते कि भाई इनको इसको एक सोशली अनएक्सेप्टेबल क्या करें अगर एक आदमी क्या करे क्या उस वक्त। अब देखें देखें लड़ाई हो जाती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखें डिफरेंट तरीके होते हैं जेस्चर देने के, हर किस्म की सोसाइटी एनवायरनमेंट होता है जहाँ आप बैठे हुए हैं, एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो एक फील तो दें, खिड़की खोलने के लिए चले जाएं, कुछ ऐसा एक जेस्चर दें कि आपने इसको, और कई लोग जो किसी हद तक लेकिन आपने कुछ ना किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए नॉर्म, तो फिर ये कल्चर बढ़ता जाएगा और हो रहा है ऐसा ही, क्योंकि हम कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। वरना अक्सर अकात होता है कि ऐसे लोग जिनको पता होता है ये आदमी सिगरेट से एलर्जी है, या आप कोई ऐसा वो दे दें कि इस धुएं से मुझे छींक आने लगती है, या कोई ऐसे यानी कोई ना कोई ऐसी फीलिंग दें। एक कमर्शियल देखा था, वो बाहर कहीं बनाया गया, फेसबुक पे मैंने देखा कि अमूमन एक आदमी जो बहुत शदीद बीमार होता है तो सूरह यासीन लोग पढ़ रहे होते हैं कि वो शदीद बीमारी से सहतियाब हो जाए। तो दिखाया कि एक साहब ने सिगरेट सुलगाई और जितने लोग थे फौरन आके सब ने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी, वो बड़े परेशान हुए, ठीक है, उसके बाद ऐसे उन्होंने सिगरेट बंद की, सब लोग अपने कामों पे लग गए। ये था बड़ा साइलेंट मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज था। लेकिन ये बताइए जो असगर अली साहब ने कहा टार और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एक्चुअली हम इनकी डिटेल्स में ज़्यादा अमूमन आम आदमी के लिए नहीं जाते। एक सिंपल वर्ड्स में अगर ये समझ लें कि किसी भी चीज़ का एक बाय प्रोडक्ट बनता है, जब आप टोबैको है वो जल रहा है, जलने के बाद अब उससे जो मुख्तलिफ मुजर चीज़ें निकल रही हैं उनमें से ही एक टार भी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर आपके जिस्म में जाके मुजर असरात करेगा, और वो एक बाय प्रोडक्ट है उस टोबैको के बर्न होने का, ठीक है, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके, वो फिर मतलब थोड़ा साइंटिफिक बुनियादे में हम कह सकते हैं, बस एक समझते हैं जी, उससे स्लो पॉइजनिंग है, बिल्कुल एंड प्रोडक्ट जो आपको नुकसान दे रहा है, ठीक है ना, इसको आप समझ लें। मिसेज शाहिद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मिसेज शाहिद, मिसेज शाहिद लाइन पे हैं। मैं मिसेज शाहिद हूँ, मैं मिसेज शाहिद बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं आपके? मैं रिजवाना साहिबा तो नहीं है? जी जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज नाम क्यों तब्दील कर लिया? बस ये आज मिसेज बनने को। हाँ, लेकिन आपकी आवाज तो हम पहचानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं जनाब। कोशिश की थी एक, लेकिन पहचान लिया आपने ना जनाब। अच्छा, एक ये मैं पहले ये बात से बोलूंगी कि ये जो पूरी दुनिया को नहीं बोली, पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है, तो इसका असर क्या पड़ रहा है आजकल? मुझे ये पूछना है, पहले तो ये बताइएगा कि क्या असर पड़ रहा है। इसलिए मेरी नज़र में तो ये टीन एजर्स इतनी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, इनके बढ़ रहा है रिश्यू ना, और इसका मतलब दिल के डॉक्टर भी बैठे हैं बताएं, जब छोटी उम्र से बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देंगे तो इनका दिल जो है कितनी जिंदगी इनकी मिलेगी और कब तक इनका दिल चलेगा, ठीक है? अच्छा, आपका सवाल ये था कि इस दिन को मनाने से क्या असर पड़ रहा है? तो बिल्कुल, क्या असर पड़ता है, ये तो और इशू बढ़ता चला जा रहा है स्मोकिंग के बजाय कम होने के, और बढ़ रहा है। बिल्कुल, और कोई और सवाल? दूसरा सवाल मैं ये करूंगी, एक देखें ये बड़ा अच्छी पहली है, और वो भी है कि जितनी के मतलब जितनी खींचेंगे आप उतनी कम होगी, तो ये जिंदगी एक सिगरेट जो है खुद एक मैसेज दे रही है आपको कि आप जितना पियेंगे उसको उतनी आपकी जिंदगी कम हो रही है, क्योंकि जितना खींचते रहेंगे आप वो कम होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी ये मुझे पूछना है कि एक जो कहते हैं ना कि अल्कोहल, डॉक्टर बताएंगे कि अल्कोहल में भी क्या किस्में होती हैं, बहुत से लोगों को ये सवाल होता है, बड़े मजे से बोलते हैं कि नहीं हम तो बहुत लाइट सिगरेट पीते हैं, हम स्ट्रॉन्ग नहीं पीते, हम बहुत लाइट सिगरेट पीते हैं, तो निकोटीन का भी क्या फर्क होता है स्मोकिंग में कि लाइट है इससे नुकसान नहीं होगा? अल्कोहल कहा था, अल्कोहल उसकी एग्जांपल दे रही कि अच्छा निकोटीन, ठीक है, निकोटीन वो मतलब क्या मतलब इसमें भी फर्क होता है कि जो हल्की पी रहे उसको असर नहीं करेगा? ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, जहर तो जहर है, चाहे वो थोड़ा लें चाहे वो ज्यादा लें चाहे वो उसमें शुगर मिला दीजिए, जहर तो जहर है। बहुत अच्छे सवाल थे मिसेज शाही साहिबा के और हमारे रिजवाना साहिबा, अभी मज़ीद बातें करेंगे, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।